नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि रोज़ाना खाली पेट शहद में डूबा हुआ लहसुन खाने के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे हैं जिनको शायद आज तक आपको नहीं पता होगा, और अगर आप आज इन्हें जानते हैं तो ना केवल ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि आप अपने परिवार और अपने सभी मित्रजनों को भी इसके बेशुमार फायदों के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी नुस्खा है और जिन लोगों ने भी इसे इस्तेमाल किया है उसने इसके कमाल देखे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में परिचित करने आया हूँ। दोस्तों, रोज़ाना खाली पेट शहद में डूबा हुआ लहसुन खाने के बहुत ही बेशुमार फायदे होते हैं और ये आपको कई बीमारियों से बचाता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में ये काम आता है, और साइनस की तकलीफ तो मिनटों में या भी आप कहें हम चुटकियों में भगा देता है ये। दोस्तों, लहसुन और शहद का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और इनके फायदों के से भी हम सब वाकिफ हैं। शहद अपने एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण जाना जाता है, और लहसुन में एलिसिन और फाइबर की मौजूदगी के कारण हमें कई तरह के पोषण तत्व प्रदान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसके फायदे बेशुमार हो जाते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, शहद में डूबे हुए लहसुन के सेवन से आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक प्रकार का मतलब वरदान है हम सबके लिए, और जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके इस्तेमाल से आपको इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आप लगातार मात्र सिर्फ 7 दिन तक शहद में डूबा हुआ लहसुन का सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इसका बेशुमार असर देखना शुरू कर देंगे। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बनाने की सही विधि क्या है और सेवन करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों, बनाने का सही तरीका सबसे पहले तो ये है कि आपको 2 या 3 लहसुन की कलियाँ लेकर उसे हल्का सा दबाकर आपको कूट लें और फिर उसमें शुद्ध शहद मिलाएं। इससे कुछ देर के लिए ऐसा ही रहने दें ताकि लहसुन में पूरा शहद समा जाए। फिर सुबह खाली पेट 7 दिनों तक इसको सेवन करें। अब बात करते हैं शहद में डूबे हुए लहसुन खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, शहद में डूबा हुआ लहसुन भरपूर मात्रा में ऐसे तत्वों से भरपूर होता है जिसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी आती है। जी हाँ, इसके जिसके कारण आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से निजात मिलता है, और इसको खाने से सर्दी जुकाम के साथ साइनस की तकलीफ भी कम हो जाती है। दोस्तों, शुद्ध शहद और लहसुन को मिलाकर खाने से शरीर का वजन कम होता है, साथ ही मोटापे से जो परेशान लोग हैं उनको अपने मोटापे से छुटकारा मिलता है। तीसरा, इन दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। चौथा, अगर आप बार बार डायरिया की समस्या से परेशान हैं तो इस पेस्ट का इस्तेमाल सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है और इसके सेवन से आपका पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम करेगा, जिसके कारण आपको पेट संबंधी किसी भी तरह की समस्या और संक्रमण कभी नहीं होंगे। लहसुन और शहद के पेस्ट का सेवन करने से आपका दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और आपका दिल काफ़ी मजबूत हो जाता है। जी हाँ, इसके सेवन करने से आपके दिल की जो नसें हैं उनमें जमा हुआ फैट बिल्कुल बाहर निकल आता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और आपके दिल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बेहतरीन अच्छे से होने लगता है।
अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसका फायदा आप अपनी इम्यूनिटी लेवल पर भी, इम्यूनिटी जो लेवल होता है उस पर भी जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जिसके कारण आपको कोई बीमारियां कभी भी अपने चपेट में नहीं ले पाती। ये एक प्राकृतिक डिटॉक्स है जिसको खाने से आपके शरीर के अंदर से सफाई होती है, जिसके कारण आप सेहतमंद रहते हैं। दोस्तों, शहद और लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर के मरीज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और इससे कैंसर का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर ये इसका सेवन करने से आपको कैंसर से बचाव मिलता है तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। दोस्तों, तो देर किस बात की है, बीमारियों से बचने के लिए आज ही आप इस वरदान को इस्तेमाल करें और शहद में डूबे हुए लहसुन को आज से ही अपने जीवन में से आजमाएं और इसका बेशुमार फायदों का लुत्फ़ उठाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बेशुमार फ़ायदों के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Take a body, 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 take